अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार आदाब। आज देश एनआरसी और सीएए के मुद्दे से जूझ रहा है। आपको पता है कि हाल ही में पार्लियामेंट ने सीएए को पास किया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ यह कानून बन चुका है, लेकिन देश सीएए को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। चारों तरफ धरने, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और देश कह रहा है कि यह असंवैधानिक है, यह संविधान के खिलाफ है, यह संविधान की मूल ढांचा के खिलाफ है, यह देश की आत्मा के खिलाफ है। आर्टिकल 14, 15, 25 को वायलेट करता है और अगर इसे लागू किया गया तो एक काला कानून देश पर नाफिज होगा। बार बार यह कहा गया है कि पहले एनआरसी को लागू किया जाएगा, फिर सीए को लागू किया जाएगा। आसाम का उदाहरण हमारे सामने है। आसाम में जब एनआरसी लागू किया गया, वहाँ पे 19 लाख लोग इसके बाहर हैं, उसमें से सिर्फ 5 लाख मुसलमान हैं और 14 लाख के आसपास गैर मुस्लिम हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये 19 लाख कौन लोग हैं। ये 19 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ गरीब हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम्स, बंजारा, नोमैडिक ट्राइब, ये लोग 19 लाख में आते हैं। कल अगर जा करके यह पूरे देश में लागू हुआ तो यह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, नोमैडिक ट्राइब्स, बंजारा, जो जिनके पास किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके खिलाफ होगा। और अगर इसे लागू किया गया तो देश में अफरा तफरी होगी, केओस होगा। हमने सरकार को चुना था कि वह रोजी रोटी, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था करेगी, साफ पानी की व्यवस्था करेगी, साफ हवा की व्यवस्था करेगी, लेकिन आज सरकार एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लागू करने के लिए जिद पे अड़ी हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि देश इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह पूरी तरह से देश हित में नहीं है। इसे लागू किया गया तो देश प्रगति नहीं कर पाएगा। मेरा मानना है कि प्रत्येक भारतीय को इसको अपोज करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से। आज वक्त आ गया है देशवासियों की सभी को कुर्बानी देने की ज़रूरत है, किसी को वक्त को कुर्बानी देने की ज़रूरत है। आप इसके विरुद्ध में जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें शामिल होइए और यह दिखाइए कि यह देश हित में नहीं है, यह देश के खिलाफ है। आप पैसे की कुर्बानी कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में 59 पिटीशन्स दाखिल हुए हैं। जो लोग केस लड़ रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पैसे खर्च होते हैं, आप उनकी मदद कीजिए, आप लोगों को एजुकेट कीजिए। आप एनआरसी, सीएए, एनपीआर क्या है ये सबसे पहले जानिए, आप खुद को अपने को शिक्षित कीजिए, बुकलेट छापिए और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आज देश को ज़रूरी है कि देश इससे शिक्षित हो, इसकी क्या क्या खामियाँ हैं, इसके क्या क्या तकलीफ़ें आने वाली हैं, इसकी क्या क्या हानि है, इसको समझे और तब जा कर के पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा होगा। मेरा मानना है कि पूरे देश को यह स्वीकार करना चाहिए कि यह खिलाफ है और इसे लागू नहीं करना चाहिए। जहाँ जहाँ पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पे सबको शामिल होना चाहिए। मैं भी कल किशनगंज में रुई धासा मैदान में एक जन आक्रोश रैली है, उसमें शामिल होने के लिए बिहार जा रहा हूँ। धन्यवाद।